हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सक्रिटरी सिस्टम इन ह्यूमंस जो कि है टॉपिक क्लास टेंथ का एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रिटरी सिस्टम पेयर ऑफ किडनीस यूरिटर ब्लैडर यूरेथरा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी फंक्शन ऑफ किडनी की इस टॉपिक पर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड वन क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी हमने अब तक अपनी पुरानी वीडियो में डाइजेशन और रेस्पिरेशन डिस्कस कर चुका है जहाँ पर हमने पढ़ा था कि ब्लड लंग से रिसीव करता है ऑक्सीजन और स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ से रिसीव करता है ग्लूकोज और ब्लड इनको लेकर आता है सेल्स में सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी विच रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वॉटर इसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल भी सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ब्लड में ट्रांसफर हो जाता जाता है है एंड अल्टीमेटली इट द द लंग्स से से वो नोज के थ्रू बॉडी बाहर निकल वेयर एज ऑन अदर हैंड द नाइट्रोजन वेस्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो भी ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है एंड दिस नाइट्रोजनस वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द एक्सक्रेटरी सिस्टम सो एक्सक्रीशन को वी कैन डिफाइंड एज इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पर हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के टाइम पर प्रोड्यूस हुए हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली फोर कंपोनेंट से बना है द फर्स्ट वन इज पेयर ऑफ किडनीज एज यू कैन सी इन दिस इमेज ये जो बीन शेप्ड के स्ट्रक्चर हैं These are kidneys and they are located on the abdomen. ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के राइट right साइड और लेफ्ट साइड में लोकेटेड होती हैं। The main purpose of the kidney is filtration. हमारे ब्लड में जितना भी यूरिया, सॉल्ट और एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, उनको ये ब्लड से अब्सॉर्ब करके यूरिन में कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड इज पेयर ऑफ यूरेटर्स एज यू कैन सी इन दिस इमेज ये येलो कलर के ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर आर एक्चुअली द यूरेटर्स एंड द फंक्शन ऑफ यूरेटर्स इज टू ट्रांसफर द यूरिन जो कि किडनी में प्रोड्यूस हुए हैं इनको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाने का काम करता है थर्ड इज यूरिनरी ब्लैडर सो यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर है एंड इट इज कम्प्लीटली अंडर आर नर्वस कंट्रोल यूरिनरी ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करके रखना अंटिल द टाइम वी गो टू टॉयलेट नाउ द लास्ट वन इज यूरेथरा यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर होगा वो यूरेथरा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है सो दीज आर द फोर मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इन डिटेल सो नाओ लेटस्ट स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी दिस किडनी इज एक्चुअली अ बीन शेप्ड पर अगर हम इसका इलेबरेटेड स्ट्रक्चर देखें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस इट इज़ कनेक्टेड टू द रनल आर्टरी जिसका काम है बॉडी से डर्टी ब्लड को कैरी करके लाना ये डर्टी ब्लड किडनी के एंड एंटर करेगा एंड देन फिल्टरेशन की प्रोसेस होगी आफ्टर दैट दिस डर्टी ब्लड विल बी कन्वर्टेड इन टू द क्लीन ब्लड जो कि रेनल वेन के थ्रू वापस ब्लड में एंटर कर जाएगा जितना भी यूरिन प्रोड्यूस होता है दैट यूरिन विल मूव टू द यूरेटर और यूरेटर से अल्टीमेटली इट विल मूव टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज अ नेफ्रॉन जहाँ पर सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा सो नाउ लेट इस स्टडी अबाउट द नेफ्रॉन इन डिटेल किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स इन नेफ्रॉन्स के टू मेन पार्ट्स हैं द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल तो ये जो आपको कब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज़ एक्चुअली अ बोमन्स कैप्सूल और सेकेंड पार्ट होता है टिब्यूल तो टिब्यूल इज अ लोअर एंड ऑफ द नेफ्रॉन जिसका एक एंड कनेक्टेड होगा बोमन्स कैप्सूल से और दूसरा एंड कनेक्टेड होगा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से ज का दूसरा एंड कनेक्टेड होता है रेनल वेन से जहाँ से सारा क्लीन ब्लड फिल्टर होकर अब बॉडी में वापस एंटर करता है नाउ लेट एस डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम वी ऑल नो नेफ्रॉन्स आर एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जहाँ पर फिल्ट्रेशन की सारी प्रोसेस होती है और हर किडनी में देर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट और हर नेफ्रॉन अब रेनल आर्टरी से कनेक्टेड होगा रेनल आर्टरी हमारी बॉडी से डर्टी ब्लड कलेक्ट करके लाती है अब इस ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट वाटर यूरिया ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्लड कैपलरीज के थ्रू इजली वोमन्स कैप्सूल में डिफ्यूज होकर एंटर कर लेंगे वेयर एज द लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड एंड द सेल्स ऑफ द ब्लड दे कैन नॉट क्रॉस और दे कैन नॉट डिफ्यूज़ बिटवीन द ब्लड कैपलरीज एंड द बोमन्स कैप्सूल तो वो ब्लड कैपलरीज में ही रह जाते हैं नाउ दीज मॉलिक्यूल्स विच हैज़ एंटर द टिब्यूल रीजन यहाँ पर टिब्यूल्स करता है सिलेक्टिव रीऐब्सॉर्बेशन दैट मीन्स जो यूजफुल सब्सटेंस है ब्लड में लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट वाटर इन सब को वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब करने का काम करेगा टिब्यूल जहाँ पर ये सारे यूजफुल सब्सटेंस वापस ब्लड में एंटर करेंगे पर जो वेस्ट सब्सटेंस है सच एज सॉल्ट और यूरिया और जो एक्सेस वाटर ब्लड में प्रेजेंट होता है वो सब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में एंटर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन तो इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और जितना भी यूजफुल सब्सटेंस हमारे ब्लड में एंटर करता है दैट पासिस टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ कॉल्ड क्लीन ब्लड और वो कैसे मूव करेगा थ्रू द रेनल वेन अभी जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हुआ है इस यूरिन को अब यूरेटर्स ट्रांसफ़र करेंगे यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरेटर से यूरिन कलेक्ट हो जाता है ब्लैडर में एंड ब्लैडर से फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर मूव कर जाता है यूरिन सो दिस इज हाउ द यूरिन इज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी और इस यूरिन में प्रेजेंट होता है यूरिया एंड मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट तो नाउ लेटेज वॉट वी है वर्किंग ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम सबसे पहले ब्लड वेसल में जितने भी स्मॉल कॉम्पोनेट्स होंगे सच्चाई यूरिया सॉल्ट ग्लूकोज वाटर अमीनो एसिड अब सब तो वेस्ट नहीं है पर सबका सब, सब ट्रांसफर हो जाता है ब्लड वेसल से इन टू द ट्यूब्यूल्स ऑफ नैफर वहाँ पर जितना भी वेस्ट सब्सटेंस है सिर्फ वो ही वहाँ पर कलेक्ट होगा एंड इट विल रीच टू द कलेक्टिंग डक्ट वेर एज जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रिअब्जॉर्बेशन अब यूरिया सॉल्ट और एक्सेस ऑफ वाटर विच इज नॉट नीडेड इन आर बॉडी सो दिस कॉम्बिनेशन मिक्स अ यूरिन और इस यूरिन को ट्रांसफर करा जाता है कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्टिंग डक्ट से ये ट्रांसफर होकर जाएगा यूरेटर में और यूरेटर है यूरिनरी ब्लैडर में इनको पहुंचाना दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम सो वी कैन कंट्रोल दिस यूरिनरी ब्लैडर अप टू सर्टेन एक्सटेंड एंड देन फाइनली ये यूरिन बॉडी से रिमूव होता है थ्रू द यूरे

अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी तब तक के लिए बाय, टेक केयर